नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार आंवला एक ऐसा फल होता है जिसके अनगिनत लाभ होते हैं। आंवला ना सिर्फ त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद है बल्कि इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। आंवला को अमृत फल के नाम से जाना जाता है। चरक संहिता में यह आयु को बढ़ाने वाला, बुखार को कम करने वाला, खांसी ठीक करने और बहुत सारे कुष्ठ रोगों का नाश करने वाली औषधि होती है। यह हमारे शरीर के दोषों को मल के द्वारा बाहर निकालता है। यह पाचन संबंधित सभी प्रकार के रोगों में, पीलिया में, ऐसे करके दोस्तों आंवला बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको आंवला के फ़ायदा बताता हूँ। दोस्तों, आंवला के 17 फायदे जो मैंने जाने हैं उनको मैं आपको बताता हूँ, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ आंवला के 17 फायदे। दोस्तों, जो हमने पहला फ़ायदा बताया है वो है बालों की समस्या को दूर करने के लिए आंवले का इस्तेमाल किया जाता है। आज के समय में सफ़ेद बालों की समस्या हर उम्र में हो रही है। इसके अलावा बालों का झड़ना, बालों का पतला होना, ये सभी समस्याओं को आंवला के सहारे दूर किया जा सकता है। दोस्तों, बालों को काला करने के लिए आंवला का मिश्रण बनाकर लेप करने से बहुत ही जल्दी बाल बहुत काले पड़ जाते हैं और वो मजबूत हो जाते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको 30 ग्राम सूखे आंवले लेने हैं। आप इसमें 10 ग्राम बहेड़ा, इसमें 50 ग्राम आम की गुठली का चूर्ण और 10 ग्राम इसमें दोस्तों आपको लोह भस्म लेना है। रात भर आपको इसको लोहे की कढ़ाई में भिगो कर रखना है। अगले दिन से दोस्तों आपको सुबह सुबह बालों पर लेप करना है। ऐसा करने से दोस्तों आपके बाल बहुत ही जल्दी काले हो जाएंगे। दोस्तों, जो इसका दूसरा फायदा होता है वह है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद की बीमारी को जल्दी से जल्दी दूर करने के लिए आंवले का इस्तेमाल किया जाता है। आप रोजाना आंवला खाएंगे तो आपकी मोतियाबिंद की समस्या बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, जो इसका तीसरा फायदा होता है वह आँखों की बीमारी में आंवले का इस्तेमाल किया जाता है। आँखों की किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है उसके लिए दोस्तों आंवला बहुत ही ज़्यादा कारगर औषधि होती है। अगर फ्रेंड्स आपको आंखों की प्रॉब्लम है तो आपको सिर्फ 1 से 2 बूंद जो आंवले के रस की बूंदें होती हैं उनको अपनी आंखों में डालना है। इससे दोस्तों आपकी आंखों की बीमारी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर किसी को नाक से खून बहता है या फिर नकसीर की प्रॉब्लम है तो दोस्तों हमारा जो चौथा फायदा है वह है आंवले के द्वारा आप नकसीर की बीमारी को भी जल्दी से जल्दी दूर कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए दोस्तों आपको जामुन, आम और आंवले को पीस कर मस्तक पर लेप करना है, जिससे दोस्तों आपकी जो नकसीर की प्रॉब्लम होगी वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, जो हमारा पांचवा फायदा है वो है गले की समस्या। अगर किसी को गले की खराश होती है इसमें भी आंवले का विशेष फायदा होता है। आपको सिर्फ आंवले का जूस पीना है, इससे दोस्तों आपके गले की समस्या बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, जो हमारा छठा फायदा है वो है हिचकी से आराम दिलाने में आंवला बहुत ही ज़्यादा अच्छा योगदान देता है। अगर किसी को हिचकी ज़्यादा आती है तो आंवले का रस के 2 या 3 बूंद पी लें, या फिर दोस्तों आंवले का जूस भी पी सकता है, या फिर दोस्तों आंवले का चूर्ण बनाकर उसको दोस्तों पानी के साथ पीने से भी हिचकी की समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाती है। फ्रेंड्स, आंवला का जो 7वां फायदा है वो है उल्टी में दिलाए राहत। उल्टी अगर किसी को ज़्यादा आती है तो दोस्तों आंवला के सेवन से उल्टी बहुत ही जल्दी रुक सकती हैं। दोस्तों, 8वां फायदा है एसिडिटी में आंवले का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी है तो वह आंवले का जूस ले, उसके अंदर थोड़ा सा नमक मिलाकर उसको पीने से भी दोस्तों एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है। आंवला इसके लिए बहुत ही रूप से जाना जाता है। दोस्तों, जो हमारा 9वां फायदा है वो है IBC यानी कि संग्रहणी रोग में आंवले से बहुत ही जल्दी राहत मिलती है। अगर किसी को पेट या आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए दोस्तों आंवला रोजाना खाएगा तो उसकी IBS की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, 10वीं प्रॉब्लम है जो है कब्ज की समस्या। आज के समय में लोगों को बहुत ही ज़्यादा कब्ज की समस्या होती है। इसके लिए दोस्तों आपको आंवले का इस्तेमाल करना है। आंवला आपको रोजाना खाना है या फिर दोस्तों आप आंवले का जूस भी पी सकते हो, इससे भी दोस्तों कब्ज की समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, जो घर के अंदर छाछ होती है जैसे मट्ठा बोला जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर पीने से भी कब्ज की समस्या बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। दोस्तों, जो इसका 11वां फायदा होता है वह है पेचिस में फ़ायदा। दोस्तों, पेचिस एक प्रॉब्लम होती है उसको आंवला के सहारे बहुत ही जल्दी दूर किया जा सकता है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 10 से 20 ml आंवला का जूस लेना है या फिर दोस्तों आंवला का रस ले सकते हो आप। इसके अलावा दोस्तों आपको इसके अंदर 10 ग्राम के आसपास इसके अंदर शहद मिलाना है, 5 ग्राम इसके अंदर घी मिलाना है। रोजाना दोस्तों आपको 100 ml बकरी के दूध के साथ आपको इसका सेवन करना है, इससे आपकी पेचिस की समस्या बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी।
दोस्तों इसका जो 12वां फायदा होता है वो है अपच की प्रॉब्लम को ठीक करने में आंवले का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अपच या अरुचि प्रॉब्लम होती है जिसमें भोजन खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लोगों को टेस्ट उसका अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से लोगों को अपच की प्रॉब्लम हो जाती है। इसे इंडाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को भी अपच कहते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक पका आंवला लेना है, उसमें काली मिर्च और सौंठ और सैदा नमक, इसके साथ ही इसमें भुना हुआ जीरा और हींग को मिलाकर अच्छी प्रकार से पीस कर जब आप इसका सेवन करोगे तो आपको अपच की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों इसका जो 13वां फायदा है वह है दस्त में फायदा। दोस्तों अगर किसी को बहुत ज़्यादा दस्त आते हैं या फिर उसे डायरिया की प्रॉब्लम है, पेट के अंदर या शरीर के अंदर पानी की कमी हो गई है, तो इसमें आंवला बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। आपको 10 से 12 ग्राम आंवला को पीसना है रोजाना सुबह शाम। आंवले का इस्तेमाल करने से दस्त की समस्या बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। दोस्तों अरुचि यानी कि भोजन खाने में प्रॉब्लम, भोजन अच्छा ना लगना, स्वाद अच्छा ना लगना, इसके अलावा दस्त की प्रॉब्लम, दोनों में दोस्तों आंवला बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। दोस्तों इसका 14वां फायदा है वो है बवासीर की प्रॉब्लम को ठीक करने में आंवले का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप रोजाना आंवले का जूस, आंवले का चूर्ण सेवन करते हो तो आपको बवासीर की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको बवासीर की प्रॉब्लम है तो आप रोजाना आंवले का सेवन करें, ऐसा करने से दोस्तों आपकी बवासीर की प्रॉब्लम भी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसका 15वां फायदा। दोस्तों 15वें फायदे को जानने से पहले दोस्तों आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों इसका 15वां फायदा है वो है पीलिया की प्रॉब्लम को ठीक करना। आंवले के द्वारा पीलिया की प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। आपको 10 से 20 ml आंवले का जूस को 10 ग्राम शहद के साथ अच्छी प्रकार से मिलाकर रोजाना आपको पीना है, ऐसा करने से पीलिया की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसका जो 16वां फायदा है वो है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम। दोस्तों डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जिसको बहुत ही कठिनाई से ठीक किया जा सकता है। हालाँकि दोस्तों ठीक करना तो अच्छी बात होती है इसमें, लेकिन दोस्तों इसको कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके लिए दोस्तों आपको डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए पहले तो रोज़ाना आपको एक्सरसाइज करनी है, रोज़ाना आपको टहलना है, ऐसा करने से दोस्तों जब तक शरीर के अंदर पसीना नहीं आ जाता तब तक डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता। दोस्तों डायबिटीज़ के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको आंवला, हरड़ बहेड़ा, नागरमोथा इन सभी को मिलाकर रोजाना 10 से 20 ग्राम के आसपास आपको सेवन करना है। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी कंट्रोल करने के लिए आंवले का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जामुन होता है, जामुन की गुठलियों को पीसकर आप अगर रोजाना सेवन करते हो तो भी दोस्तों डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जो करेला होता है या फिर जो भी कड़वी सब्जियां होती हैं उनका सेवन करने से भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सकता है। दोस्तों डायबिटीज़ की प्रॉब्लम दो प्रकार की होती है, एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। दोनों प्रकार की प्रॉब्लम में दोस्तों आंवला बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। दोस्तों इसका जो 17वां फायदा होता है वो धातु रोग में फायदेमंद माना गया है। हाँ जी दोस्तों, धातु रोग में आंवले का इस्तेमाल करने से बहुत ही जल्दी दोस्तों आपको फायदा होगा। चरक संहिता में भी बताया गया है कि आंवले का इस्तेमाल करने से धातु रोग आयु के अंदर बढ़ाने के लिए, बुखार को कम करने के लिए, खांसी को ठीक करने के लिए, कुष्ठ रोगों में, धातु रोगों में, सभी प्रकार के रोगों में आंवला बहुत ही ज़्यादा विशेषकर आयुर्वेदिक औषधि साबित हुई है। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार आंवला को अमृत फल के नाम से जाना जाता है। अमृत फल इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि अमृत के समान फल देने वाला होता है, यानी कि दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा कारगर औषधि होती है जिसका सेवन करने से बहुत ही जल्दी आपको फायदा मिलता है। आंवला एक बहुत ही अच्छी औषधि है। आप रोजाना दोस्तों 10 से 20 ग्राम या फिर दोस्तों अगर आप इसका जूस के रूप में सेवन करते हो तो आपको इसका रोजाना से रोजाना सेवन करना है। आंवले के इस्तेमाल से आपके शरीर का वर्ण बढ़ता है, मेधा बढ़ती है, समृद्धि बढ़ती है, आरोग्य बढ़ता है। आंवला का सेवन करने से मनुष्य पूर्ण तरह से निरोग रहता है और अपने आप को मन शांति से पूर्ण तरह से प्राप्त कर लेता है। इसलिए दोस्तों आंवले का सेवन रोजाना करोगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कच्चे आंवले और पके हुए आंवले के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों जो कच्चा आंवला होता है, अगर आप रोजाना सुबह सुबह एक आंवला कच्चा आंवला खाते हो तो आपके खून को बढ़ाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। सबसे ज्यादा जो फायदा होता है कच्चे आंवले खाने की वजह से होता है। दोस्तों कच्चा आंवला खाने में
थोड़ा खट्टा होता है, यानी कि दोस्तों इसके अंदर विटामिन सी होता है, जिसकी वजह से खट्टेपन की वजह से खून को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा दोस्तों जो पका हुआ आंवला होता है, जो भी मैंने आपको ये 17 फायदे बताए हैं, जैसे कि मोतियाबिंद, आँखों की बीमारी में इलाज, इसके साथ साथ दोस्तों उल्टी, एसिडिटी, IBS, कब्ज, पेचिस, इन सभी प्रॉब्लम में पके हुए आंवले का इस्तेमाल करने से आपको बहुत ही जल्दी फायदा होगा। हालांकि दोस्तों आप इसके अंदर कच्चे आंवले या सूखे आंवले का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यह भी आपके लिए बेहतर फायदेमंद देगा। इसके अलावा दोस्तों जो सूखा हुआ आंवला होता है, जब आप आंवले को सुखा लेते हो उसके बाद दोस्तों आप इसको पीस कर उसका चूर्ण बनाते हो, इसके फायदे दोस्तों बहुत सारे होते हैं। अनेक फायदों में जो दोस्तों सूखा हुआ आंवला है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जैसे कि दोस्तों खून के विकारों को दूर करने के लिए, धातु विकारों को दूर करने के लिए, पेचिस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सूखे हुए आंवले का इस्तेमाल किया जाता है। आंवला एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी औषधि मानी गई है आयुर्वेद में, दोस्तों इसे अमृत फल के नाम से जाना जाता है। रोजाना आंवले का सेवन करने से आपको खून के विकार, खून संबंधी सभी प्रकार की प्रॉब्लम, पाचन संबंधी प्रॉब्लम, त्वचा संबंधी प्रॉब्लम, सभी प्रकार की प्रॉब्लम में आंवले का इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ही अच्छी औषधि मानी गई है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक मिलेगी, आप वहाँ पर जाकर हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है या कुछ आप हमको बताना चाहते हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करें, हम आपके उस कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयत्न जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को हमारे नमस्कार।